तो ये हमारा लैपटॉप स्क्रीन है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले गाइस ये एक झंडे का निशान होगा जिसे एक्शन सेंटर कहते हैं, आप यहाँ पे देखो। अगर आपके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले यहाँ पे आती है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो देखो नेटवर्क फायरवॉल को ऑन रखना है, ये ऑन होना चाहिए। विंडो अपडेट मैसेज को मैंने कुछ नहीं कर रखा, और वायरस प्रोटेक्शन को ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का कुछ ऐसी पता नहीं क्या है, इंस्टॉल था पहले से तो वो यूज़ हो रहा है। और वायरस प्रोटेक्शन वगैरह देख लो, इंटरनेट सेटिंग ओके होना चाहिए, और क्या लिखा है ये स्पेयर अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन के लिए भी वही माइक्रोसॉफ्ट का खुद का यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लैपटॉप को फास्ट करना है, मुझे पता है आप इसीलिए वीडियो पे आए हो। तो आपको सबसे पहले परसेंटेज दबाना है, शिफ्ट दबा के परसेंटेज दबा के आपको यहाँ पे लिखना है TEMP, फिर बिना स्पेस दिए फिर से परसेंटेज का आइकन शिफ्ट दबा के प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये आपके लैपटॉप के जितने भी टेम्प्रेरी फाइल्स होते हैं वो सारे फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारे आपके टेम्प्रेरी फाइल है, डिलीट करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से मैं इनका डिलीट मार देता हूँ। तो गाइस ये डिलीट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, आप भी इसी तरीके से डिलीट करेंगे। इसमें से कुछ कुछ फाइल्स डिलीट नहीं होते हैं जो आपको आगे अभी पता चल जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर पॉपअप आ गया, ट्राई अगेन करता हूँ, ये फिर भी डिलीट नहीं होता। तो आपको इसे जैसे के जैसे छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करके फिर से आपको करके दिखाता हूँ, तो ये नहीं होगा। मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ, राइट की प्रेस करके। अब जैसे ही डिलीट पर क्लिक करेंगे ये नहीं होगा, वापस आपको ट्राई अगेन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं पॉपअप आ गया, ट्राई अगेन करके मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। तो आपने गैस 5% काम कर दिया अपने लैपटॉप का। जो मैं आपको काम बता रहा हूँ ये एकदम लोहा बता रहा हूँ, कोई फेक चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो गैस ये आपका हार्ड डिस्क से आप देख सकते हैं। आप क्या करना है, आपको सी ड्राइव जो है आपकी, इसमें सिर्फ विंडो को रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। अगर आपको हार्ड डिस्क कम है तो आप हार्ड डिस्क को बड़ी करवा लीजिए, मतलब ज़्यादा अगर 500 GB के तो 1 TB ही करवा लीजिए, अगर 1 TB है तो कोई बात नहीं, बस सी ड्राइव को खाली रखना है। अब इसके बाद गैस एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कंप्यूटर में जाना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। मैं आपको रैम दिखा देता हूँ, मैंने इस पीसी का जो मेरा ये लैपटॉप है मैंने इसमें कुछ भी नहीं करता, ओनली वीडियोस वगैरह देखता हूँ। तो आप देख सकते हो एकदम नॉर्मल प्रोसेसर है, बहुत पुराना, और 1 GB रैम है इसमें। 4 GB रैम थी लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसे निकाल दिया, इसमें 1 GB ही लगी हुई है 512 की, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ सिंपली यहाँ से क्रॉस कर देना है और कंट्रोल पैनल में आ जाते हैं हम। मैंने पहले से ऑन कर रखा था तो मैं आपको विंडो अपडेट में जाकर दिखा देता हूँ। गाइस विंडो अपडेट, आपको सब कुछ विंडो को अपडेट नहीं करना है, मैं अभी आपको बताऊँगा क्या चीज़ अपडेट करना है और क्या चीज़ अपडेट नहीं करना है, उसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें आ जाती है। आपको कंप्यूटर में आना है, अनइंस्टॉल चेंज अप प्रोग्राम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके लैपटॉप में जितने भी EXE जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो रन कर रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। तो आप इसमें से देख के जो आपके काम की चीज़ नहीं है, बेखानती में आपका रैम यूज़ कर रही है, उसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आपके काम का नहीं है सिर्फ उसी को डिलीट मार रहा है, ये नहीं कि पता नहीं कुछ डिलीट मार दिया आपने अब वो स्पीकर काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग PC है आपके पास, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कैसे भी आप मुझे, आप एक काम कीजिएगा व्हाट्सएप पे नहीं भेजे तो अच्छा है, इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट कि कौन सा एप्लीकेशन काम का है कौन सा नहीं है, ठीक है। वहाँ से आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना है, अनइंस्टॉल चेंज अप प्रोग्राम से। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि जो अपडेट है कौन चीज़ को अपडेट करना है और कौन सी चीज़ को अपडेट नहीं करना है। देख सकते हैं आपके पास नो इम्पोर्टेंट अपडेट अवेलेबल है, मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं है। आपको इस 8 ऑप्शनल अपडेट अवेलेबल पे क्लिक करना है, ठीक है। जो आपका इम्पोर्टेंट है वो PC खुद ही डिटेक्ट करके आपको बता देगा, लेकिन बाद बाकी जो अपडेट आप देख सकते हैं, अपडेट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, अगर आप इनका काम करते हैं या फिर आप सोचते हैं नहीं भाई अभी जो मेरे पास वर्जन है इससे मेरा काम चल रहा है अच्छा खासा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपने लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसे सिंपली इग्नोर कर देना है। अगर हाँ आपको लगता है नहीं ये चीज़ मेरे काम का, ये चीज़ मेरे काम का, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल करना है। तो मेरे काम का इसमें से कुछ भी नहीं है, ये सब है तो वो ऑलरेडी मेरे में अपडेट हो रखा है, तो मुझे उसमें काम चल रहा है तो मुझे मतलब अपडेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको है तो आप कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ से क्रॉस कर देना है। गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो लैपटॉप का काम है वो 50% कंप्लीट हो गया, आप बोले तो 70% बोल सकते हैं, क्योंकि बस अब इंस्टॉल करना है एंटीवायरस को। अगर आपके पास एंटीवायरस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो मैं आपको 1 महीने का फ्री एंटीवायरस ट्रायल वर्जन आपको यहाँ से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। कैसे आपको इंस्टॉल करना है, क्या प्रोसेस है इसका बताता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है क्विक हिल QUICK
तो आप देख सकते हैं लैपटॉप स्लो है इसलिए टाइप नहीं हो रहा है। क्यू यू आई सी के क्विक हिल देखो पहले से आ गया, तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ सिंपली। गाइस ये एक ऐसा एंटीवायरस है जो एकदम सिक्योर और एकदम अच्छा है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैं पर्सनली क्विक हिल एंटीवायरस यूज़ करता हूँ और मेरा जो लैपटॉप है, जो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, वो एकदम मक्खन की तरह चलता है इस एंटीवायरस को। अगर आपके पास 1 GB रैम है, जैसे मेरा इस पीसी में, जो मेरा पीसी है इसमें ओनली 1 GB रैम है, तो आप देख सकते हैं 1 GB रैम में भी ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। तो आपको सिंपली क्विक हिल का जो सबसे पहले वाला टॉप वेबसाइट आता है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस लैपटॉप स्लो है, आपका भी अभी स्लो ही होगा। जैसे ये इंस्टॉल करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपका जो लैपटॉप है देखना एकदम मक्खन की तरह चलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला एंटीवायरस, सिर्फ एक ही एंटीवायरस यूज़ करना है, बाकी सारे एंटीवायरस को अनइंस्टॉल मार देना। और अनइंस्टॉल कैसे करना है मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप में चल रहे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस आप सबसे पहले ये थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है, शायद इंटरनेट स्लो है, मैंने अभी अभी वाईफाई ऑन किया है। तो गाइस आपको यहाँ पर डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। अब जैसे ही डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का सेटअप आएगा, ऑफलाइन अपडेट्स आएगा, अपग्रेड सॉफ्टवेयर वर्जन आएगा, तो आपको फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। तो गाइस ये फिर से लॉगिन होने लग गया, तो आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है और फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। तो गाइस अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा प्रोसेसर है। अगर आपके पास i3 से कम प्रोसेसर है तो आप सिंपली क्विक हिल एंटीवायरस प्रो को इंस्टॉल करें। खैर ये उस पर प्रोसेसर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये होता है आप कितना समय लैपटॉप को देते हैं और उसको सही रखने के लिए, उसको मेंटेनेंस कितना करते हैं। तो ये क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी है, इसमें ये होता है, मैं आपको बता दूँ इन सबका, इन सब के अलग अलग फीचर क्या है इनको बता दूँ। क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी में ये होता है कि पूरे तरीके से आपके पीसी या लैपटॉप जो भी है आपके पास, या कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी है, उसको पूरे तरीके से अच्छे से कवर कर लेता है। जिससे कि इसमें कुछ कुछ सेटिंग्स होते हैं, जैसे कोई वेबसाइट होती है लीगल वेबसाइट है, जिसपे आप एक पेरेंट्स से आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस वेबसाइट को ना ऑन करे, तो इसमें पूरी सेटअप है और ये पूरी जानकारी इसमें पूरे तरीके से एकदम प्रोटेक्शन अच्छा होता है। और ये है कि आपको बस काम करना है, काम से मतलब है, बाकी आप एंटीवायरस स्कैन स्कैन कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो करे लैपटॉप करे, मतलब हमें कोई डिस्टर्ब ना हो, हम आए और चला के चले जाए और सारा काम जो भी है बैकग्राउंड में वो हमारा एंटीवायरस प्रो करते रहे। तो आपको सबसे अच्छा है क्विक हिल एंटीवायरस प्रो रहेगा। और ये इंटरनेट सिक्योरिटी ओनली फॉर ओनली इंटरनेट को आपसे, इंटरनेट से आने वाले वायरस या किसी भी प्रकार के हैक से बचाता है। और जो क्विक हिल टोटल सिक्योर सॉरी क्विक हिल एंटीवायरस प्रो है, ये सच में प्रो है, मतलब ये सारे काम खुद ही करता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसको आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जो टोटल सिक्योरिटी होता है उसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ती है, लेकिन ये जो एंटीवायरस प्रो है फुल ऑटोमेटिक है, इसमें सब कुछ आपको अपने आप ही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 542 KB का कुछ फाइल है, आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना है और इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आगे, मैं आप उससे सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। 200 से 300 MB लगने वाली है, डाउनलोड होकर इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद आपसे कुछ यूज़ मांगेगा, रजिस्टर नाउ और रजिस्टर लेटर का, तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। मैं आपको ये करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर मैं इंस्टॉल करूंगा मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि 1 GB रैम है इसमें। ठीक है गाइस, तो आपको इसको सिंपली जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा तो उसमें रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, मतलब हाँ मुझे अभी रजिस्टर करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपके लिए पूछेगा आप किसके लिए यूज़ करना है, कंपनी के लिए, स्टडी के लिए, या पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ इज़ बेटर, सब में ज़्यादा बेटर है। तो आप पर्सनल यूज़ पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके नंबर ईमेल डाल के नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आपको अलाउ और डीने का ऑप्शन आएगा 3-4 बार, कुछ भी आता है क्विक हिल एंटीवायरस की तरह तो आप उसे अलाउ करेंगे। डीने कुछ नहीं करना है, कुछ बेकार चीज़ें नहीं है, बस आपके पीसी को, लैपटॉप को, या जो भी आपका डेस्कटॉप है उसे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड करेगा। तो आपको उसे सिंपली क्लिक करना है, जैसे वो इंस्टॉल हो जाता है आपको सिंपली आ जाना है अपने लैपटॉप को, एक बार रीस्टार्ट मार देना। तो ठीक है, मैं रीस्टार्ट मार के आप, तो गाइस मेरा पीसी जो है वो रिस्टार्ट हो गया है और मैं आ गया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया है, मतलब मैंने वीडियो बंद करके इंस्टॉल किया था तो बहुत आसानी से हो गया था। तो 3 फाइलें इंस्टॉल होती है गाइस, आप देख सकते हैं अभी मक्खन की तरह चल रहा है मेरा पीसी। अब देखो क्लिक करते ही रिफ्रेश हो रहा है, आप देख सकते हैं, और मैं आपको कंप्यूटर खोल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितना फास्टली खुल रहा है। ठीक है गाइस, और आपको इसके कंट्रोल पैनल भी खोल के दिखा देता हूँ, कितनी फास्ट और कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, तो एंटीवायरस जो है गाइस, मैं आपको इस एंटीवायरस की खासियत बता देता हूँ, इस एंटीवायरस की क्या खासियत है। तो आपको क्विक हिल एंटीवायरस पे 2 बार क्लिक करना है, जैसा आप सबको पता ही होगा। तो ये खुल रहा है, इसमें हल्का सा टाइम लगता है खुलने में। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं सिस्टम इज सिक्योर, तो
देख सकते हैं मैंने अभी 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 जैसे ही मैंने किया था, मैंने जितने भी वेब अभी जो मैंने ऑन किया था अपने लैपटॉप का रिस्टार्ट करके, तो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर था वो दूसरा था, मतलब वो सही से काम नहीं कर रहा था। मैंने उसे अनइंस्टॉल मारने के लिए और फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो मैं आर्ट मस्कुलर वेबसाइट पे गया जो मेरे वेबसाइट को जो मेरे लैपटॉप को किसी वेबसाइट के थ्रू हैक कर सकता था या उस पर प्रॉब्लम से वायरस आ सकता था। तो अब गाइस इसका प्रोटेक्शन दिखा देता हूँ मैं आपको, आप देख सकते हो उसमें कितनी सारी प्रोटेक्शन आ चुकी है। एंटी मालवेयर भी है और एक्सटर्नल ड्राइव प्रोटेक्शन है, फायरवॉल प्रोटेक्शन है, मेल प्रोटेक्शन है, यूएसबी ड्राइव प्रोटेक्शन है, अगर आप कोई अनदर यूएसबी लगाते हैं तो उसे भी ये ड्राइव करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, ये भी है, स्कैन सेटिंग, वॉइस प्रोटेक्शन, सब कुछ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा लैपटॉप तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे कोई डाउट है, तो आप एक बार एंटी मालवेयर को यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे एंटी मालवेयर पे यूज़ करेंगे, स्कैन नो पे क्लिक करेंगे तो स्कैन होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ जब तक ये स्कैन कर रहा है, मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। प्राइवेसी पे आएंगे तो ये सब चीज़ें, इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना। अगर आप अपने स्क्रीन पर लॉक लगाना चाहते हैं जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर लॉक लगाते हैं, अगर वैसे ही आप कोई लॉक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली लॉक लगा सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड पर लॉक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप अपना लॉक लगा सकते हैं। अब ये परफॉर्मेंस आ गया, ये ट्रैक क्लीन वगैरह, ऑटो साइलेंट सिस्टम एक्सप्लोर, इसको कुछ नहीं छेड़ना, ये ऑटो जो करना होता है इसे खुद करता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन, ये ऑन होगा, अगर नहीं भी है तो ऑन कर ले, वैसे 100% ऑन ही होता है। बाकी ये सब चीज़ें आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड प्रोटेक्शन है, इसको ऑन करना चाहते हैं तो कर लो, लेकिन मैं तो नहीं करूँगा। ये चीज़ होता है कि आपको जो भी पासवर्ड डालते हैं जैसे गूगल क्रोम को याद रहता है, तो वैसे ये चीज़ आपको देखता रहेगा, मतलब थर्ड पार्टी से रोकता है। तो आपको जैसे रिपोर्ट स्टैटिक्स में जाके इसे ऑन ही होगा, इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम जाते हैं, हमने जो अभी ओपन किया था ये देख सकते हैं, अभी जो भी अगर फाउंड होता तो यहाँ पे दिख जाता 62% कंप्लीट हो गया, कोई भी नहीं हुआ है, जैसे फुल स्कैन होने देते हैं। बाकी सब चीज़ मैंने आपको बता दी। और आपका लैपटॉप देख सकते हैं आप एकदम मक्खन की तरह चल रहा है मेरा लैपटॉप, इससे पहले कितना स्लो चल रहा था। अब ये सॉरी कैंसिल कर देता हूँ, इसे गलत हो गया ये, ठीक है। आप देख सकते हैं एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। ये स्कैन कर रहा है इसलिए हल्का सा बिजी सर्कल आ रहा है, जैसे ये हो चुके देख सकते हैं क्विक हील एंटी वायरस, सॉरी क्विक हील एंटी मालवेयर हैज नॉट फाउंड एंड मालवेयर योर सिस्टम इज क्लीन, आपका जो सिस्टम है वो एकदम क्लीन है गाइस। अब आपका कोई भी हैकर का बाप भी आपके लैपटॉप को हैक नहीं कर सकता, इतना सिक्योर हो गया ये, ठीक है, ये पूरा लोहा काम हो गया। तो आप लोगों को गाइस वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।